सो फ्रेंड, सब लोग सो गए हैं और मैंने अभी तहज्जुद की नमाज़ पढ़ ली है और समीर भी सो गया है क्योंकि वो नहा के सोया, मैंने जल्दी सुला दिया था उसे। जोया भी सो गई है, तो हम लोग आपको मिलते हैं शहरी के टाइम। ठीक है, मैंने तहज्जुद की नमाज़ पढ़ ली है और चलते हैं हम लोग अब सोने, क्योंकि सुबह फिर 3 बजे उठना है। फिर मिलती हूँ आपको शहरी के वक्त। गुड नाइट फ्रेंड। सो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। तो सुबह के 3 बज गए हैं, तो फटाफट से सहरी की तैयारी कर लेते हैं। समीर उठ गया है पर नींद है, तो मिलते हैं आपको, तैयारी कर लेते हैं पहले। क्या खाते है? क्या उठ गई बुआ? अच्छा ठीक है, समीर को ये दे, तो यही खा लेगा। पिछले यहाँ दूध गर्म हो रहा है, ये लो बेटा। नहीं उठे थे वो, तो रख लेती फिर भूखे ही, रख वो ऐसे ही रख लेती फिर उसके। तो फ्रेंड मैं सवाई खा रही हूँ, ज़्यादा भूख नहीं है तो मन नहीं है ज़्यादा खाने का, सवाई नहीं खा रहा है यहाँ पे। बहन पता नहीं अभी तक तो हो रहा है नहीं बचा है। हम ही असली बुलाना है क्या? यार मैं तो बंदे कभी नहीं लाऊंगी। चाय पिएगा, रोजेदार असली उठेंगे आज रोजा। अच्छा भाई, बगल में भी हमारे रोजा रखा हुआ है। तभी मैं बोलूँ झटर पटर फटर आवाज़ कहाँ से आ रही है। इसने चाय के साथ थैनी खाई है, मतलब सवई खाइए, तो नया ट्रेंडिंग चीज़ है, आप लोग भी खा सकते हैं। हमारे इधर की सुबह हो गई है, कितना मिनट बाकी है। और कुछ खा ले भाई, खाना है तो फिर बाद में मिलेगा। उन्हें कुछ खाया नहीं, टाइम देख कितने बजे बोला है। तारी की पहले पड़ी है भैया, तू ले भैया। इसको अब तारीख की पहले पता, मतलब अभी से 1-2 मिनट से भूख लग रहा था। मैं ऊपर से आ रही थी, आधा बंद लेके, मैंने कहा इतना सा अच्छा खा रहा है वो, जा रही उसी को दे दे रही हूँ बंद। फिर मैंने कहा पहले पहले पेट लेते हैं, थोड़ा सा रखा है वो खा ले, बंद खा ले तो थोड़ा सा पड़ा हुआ खाएगा, मेरा भी पड़ा है। नहीं भैया, सुबह सुबह कहाँ भूख लगती है, अच्छा नहीं लगता। क्या पूरी चल गई चाय? इतनी सी चाय, ये बहन देख चाय देख, ये तो चाय है भी। 2 घूट चाय है बस। ऐसे चालू हो गया कि रूपसा दे दो, दही दे दो, चाय खतना। चाय इतनी सी बन गई, चाय जल के बस भस्म हो गई चाय। वहाँ लगा दो वहाँ पे। फ्रेंड 4 बज गए और अभी 5 बजे तक का टाइम है, तो अभी बहुत टाइम है। उसका पूरा मुंह जल जाएगा, पूरा राख गिरेगा उसको मुंह पे, सीधा घुमा दे पूरा, या तो उस तरफ रख ले अपने सर की तरफ। मच्छर हो गए उसकी वजह से, अगरबत्ती लग रही है। जो जाओ फिर क्या कर रहे हैं? तो अभी भी आधा घंटा बाकी है टाइम, तो नहीं हम जल्दी उठ गए हैं। तो कभी उठ रहा है, कभी सो रहा है, कभी उठ रहा है, यही हो रहा है इसको। इसको भी रूह अफ़ज़ा ही पीना है, तो मैं रूह अफ़ज़ा इसलिए कह रहा है ना कि पानी अभी पिया नहीं जाएगा, तो अगर वो मीठे शरबत की तरह होगा तो ये ज़्यादा पी लेगा, इस वजह से कह रहा है।
और मैं इसको मना कर रही हूँ कि गला लग जाएगा, चलो कोई नहीं कम से कम पानी तो जाएगा है ना। तो चलते हैं स्क्रू गब्जा बनाते हैं, स्क्रू गब्जा देते हैं फटाफट से, ऐसा भी बहुत टाइम है। फिर हम लोग फजर की नमाज़ पढ़ेंगे, फिर सोएंगे, फिर सुबह मिलेंगे आपको, देखते हैं कब तक उठते हैं। अरे सोया को तो मत उठा भाई, मारेगी पकड़ के, नहीं तो तुझे सो गई दोबारा। तो इसका रूह अफ़ज़ा बन गया भाई, रोज़ सुबह सुबह सहरी में रोज़ कौन पीता है, सहरी में देखते हैं रूह अफ़ज़ा कौन पीता है भाई। वो इस वजह से पी रहा है क्योंकि ना पानी से पिया नहीं जा रहा है। और इसका पहला रोज़ा है, पहले रोज़े इसने 2 साल पहले भी पहला रोज़ा कह के फिर वो 1 बजे तक इसका टूट जाता है, मतलब कुछ खा ही लेता है ये। और ये रोज़ा देखिए सफल होता है कि नहीं होता है, इंशाल्लाह रख ले पूरा पूरा, मतलब एक रोज़ा पूरा रख ले, पूरा रोज़ा तो क्या ही रखेगा ये, अभी पूरे रोज़े में तो इसको चांद नज़र आ जाएगा ईद का। तो फ्रेंड्स 5:30 हो गए, हम लोगों ने नमाज पढ़ ली है फजर की, और अब जा रहे हम लोग सोने, सुबह उठेंगे फिर आप लोगों से मिलेंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स समीर यहाँ पे अपनी ड्राइंग कर रहा है, और हम लोग उठ चुके थे 9 बजे उठ गए थे। तो समीर बनाना है पोकेमॉन कार्ड, और चलते हैं हम लोग, चने उन्हें खिला देते हैं, टाइम लगेगा उसे खुलने में, अभी टाइम लगेगा। हम लोग बैठे बैठे बिस्तर में ही अभी इतने बज गए हैं 10:45। हम लोग फटाफट से चल के चने में होते, फिर मिलते हैं। समीर का फर्स्ट रोज़ा है, आप लोगों को पता है समीर का फर्स्ट रोज़ा है, तो देखते हैं इसकी रोज़ा पूरा कब तक रखता है। तो जो है मेरे बाल झाड़ेंगे अभी, मुझे पिन नहीं चाहिए, अफ्तारी की तैयारी हो रही है, और यहाँ पर समीर का तंदूरी हो रहा है फ्राई, ये चिकन इसको बनाना है अभी, और काफ़ी चीज अंदर बना के रख दिया है, कैसा हालत हो गया फिर। Thank you.
ताकि थोड़ा गर्म रहे तो से पक जाएगा, गर्म भी रहेगा। बाकी सब सफाई वफाई कर लेते हैं और चिकन चढ़ा देते हैं। चिकन भी बन जाएगा, अभी टाइम बहुत है। ये खाने के लिए उतावली हो रही है हमारी सोया। जब अफ्तारी के बाद खाएंगे ना बेटा, दुआ मांगोगे अपना बहुत सारा। यहीं रख दिया हमने टेबल पे, उधर बहुत मैसी हो रहा है तो भाई जगह कम है तो एडजस्ट करना पड़ रहा है। तो फटाफट से मैं बना के फिर आपको मिलती हूँ, सारा काम कर लेती हूँ तब। ठीक है, तो फाइनली समीर का रोज़ा कंप्लीट होने वाला है 1.5 घंटे में। बट इसको थोड़े कह रहा चक्कर आ रहे हैं और कुरान शरीफ वगैरह पढ़ लिया है इसने। और देखिए 5 बज रहा है और 6:40 पे है इंडिया का टाइमिंग दिल्ली का। तो फटाफट बस 1.5 घंटा और फिर आपको रोज़ा खोलना ही है। और ये इसका चालू है तंदूरी चिकन खाने में लग रही है। क्या पियोगे? पानी पी लेना, 4-5 टैंकी। और यहाँ पे मैंने इकट्ठा ही बना दिया क्योंकि ना रोज़ा खोलने के बाद हिम्मत नहीं होती है बनाने की और फिर तरावी वगैरह भी करनी होती है। तो हम खाने पीने से फ्री रहेंगे तभी तो अल्लाह की इबादत कर पाएंगे हम लोग, और वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि साल में महीने में एक बार ही मतलब साल में एक ही बार आता है महीने में मतलब महीना। तो हमें ये बिल्कुल भी इसका वेस्ट नहीं करना, हमें इबादतों से भरा हुआ है तो हम हर चीज़ अल्लाह से मांगेंगे और इंशाल्लाह जरूर पूरा करेंगे। और मैं इसलिए जल्दी बना ले रही हूँ ना क्योंकि रमजान रोज़ा खोलने से पहले आप 15 मिनट आधा घंटा पहले अपना जो भी दुआ मांगते हैं ना इंशाल्लाह वो कबूल होती है। इसीलिए आप लोग खाना पीना जो भी अफ्तारी का होता है वो पहले बना लें ताकि आपकी दुआएँ जितनी भी हैं सब इकट्ठे परिवार होके दुआएँ पढ़ें, रो रो के गिड़गिड़ा के अल्लाह से दुआ मांगें तो इंशाल्लाह वो दुआ ज़रूर पूरी होती है। और कमेंट में ज़रूर बताना और इसके लिए दुआ करनी है। मैं हर रोज़े में सबके लिए दुआ करूँगी और जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं, जितने भी मुसलमान हमारे बहन भाई हैं सबके लिए करती हूँ। वैसे कहते हैं ना सबके भले से हमारा भला। तो बस फटाफट से रेडी करते हैं फिर आपको मिलती हूँ अफ्तारी के टाइम पे। ठीक है, तो फ्रेंड चलते हैं, असर की नमाज का टाइम हो गया, नमाज पढ़ते हैं फिर मगरिब के टाइम पे रमजान होगी तो हम रोज़ा खोलेंगे। इसके बाद जो अरजान होगी ना बेटा उसके बाद हम रोज़ा खोलेंगे फिर आप खाना। तो फिर नमाज पढ़ लेते पहले, टाइम हो गया अफ्तारी का, टाइम हो गया है होने वाला है मतलब। तो फटाफट से फ्रूट्स को कट कर लेते हैं, मस्जिद में पहले पहुँचा देना है तो इसको देखो, इसको सुन लो पहले, तो फटाफट से काट लेते हैं। तो समीर कर रहा है यहाँ पे काम, हेल्प बहुत करी है समीर ने, चिकन विकन सब समीर लेके आया है। और यहाँ इसका खाना चल रहा है तो फटाफट से कट कर रहे हैं। खजूर को एक बार वॉश भी कर लेते हैं क्योंकि पता नहीं बाहर कैसा होता है कैसा होता है। सो फ्रेंड जा रहा है समीर अफ्तारी लेके मस्जिद में और जल्दी जल्दी से हम अफ्तारी की प्लेट तैयार कर रहे हैं और सब चीज़ फटाफट से रख रहे हैं। तो चलते पहले अफ्तारी रख देते हैं इसमें। तो फ्रेंड दस्तरखान लग गया है और अभी टाइम है और समीर गया है मस्जिद अफ्तारी भेजने ताकि वहाँ पे भी जो भी रोज़ेदार हैं सबको अफ्तारी अच्छे से मिल सके। तो वैसे तो बहुत सारे अफ्तारी वहाँ पे पहुँच जाते हैं फिर भी फर्स्ट रोज़ा था, जितनी जिसकी वो है उस हिसाब से अपना भेज सकते हैं। तो यहाँ पर तंदूरी चिकन है समीर के लिए, समीर के लिए दूध वाला रूह अफ्जा है
तो बस अफ्तारी में सिंपल सा है, मगर अल्लाह का शुक्र है, जो भी अल्लाह ने दिया उसका लाख लाख शुक्र है। तो अभी रोज़े का टाइम नहीं हुआ है, अभी तो दुआ कर रही हूँ, समीर आएगा और टाइम अभी होएगा तब हम रोज़ा खोलेंगे, क्योंकि उस टाइम मैं वीडियो बना नहीं पाऊँगी इस वजह से। तो बस वीडियो में बने रहना आप लोग। क्या करा आपने समीर को? ये अंगूर दिए, खा ले पता नहीं चलेगा, तरस आ रहा है क्या उस पर? ऐसे रोज़ा तोड़ोगे उसका? टाइम देख रहे हो, होने वाला है। और बहन को देखो, बड़ा तरस आ रहा है, अंगूर दे रही है, ले भाई खा ले पता नहीं चलेगा। तो फ्रेंड चाय के बगैर तो कुछ नहीं हो सकता है, और यहाँ सब्जी भी बन चुकी है, खाने की टेंशन नहीं है। तो समीर का अवतार खुल गया है। तो समीर कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। अभी कुछ नहीं, अभी सिर्फ स्टार्ट ही करा है समीर ने। आ जाइए आप, पूरी खा लीजिए। और मैंने सबके लिए दुआ मांगा है, जो भी हमारे सब्सक्राइबर हैं सबके लिए। तो फाइनली समीर का पहला रोज़ा कंप्लीट हो गया। तो समीर को कैसा लगा? समीर बहुत अच्छा, बनाना। चलो अल्हम्दुलिल्लाह, पहला रोज़ा समीर का कंप्लीट, फर्स्ट टाइम। तो जो है क्या खा रही हो? तंदूरी। तो जो है तंदूरी चिकन खा रही है। फ्रेंड अरजान हो गया है, मगरिब की नमाज का टाइम हो गया है, तो अफ्तारी चलते हैं, छोड़ते हैं बाद में, पहले हम नमाज पढ़ते हैं फिर ये बाद में खाएंगे आराम से। तो ब्लॉग को फ्रेंड हम लोग यहीं पे एंड कर रहे हैं, और अगर ज़रा सी भी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, क्योंकि काफ़ी मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। हमने रोज़े का, अफ्तारी का सारा आपके साथ ये वीडियो बनाई है, और भूखे प्यासे रह के आपके लिए ब्लॉग बनाया। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। और फ्रेंड दुआओं में हमने आपको भी याद किया था, आपकी जो भी परेशानियाँ हैं, दुख है, मुसीबत, सारी अल्लाह दूर करे। आमीन सुम्मा आमीन।